गाइज एक बिल्कुल न्यू और मजेदार सी वीडियो आपके लिए आ चुकी है। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना एंड याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड दोस्तों में भी जरूर से शेयर कर देना। तू लोहा नहीं फौलाद है, तू मेरा दोस्त नहीं मेरी औलाद है। और सुना औलाद, क्या चल रहा है? सब कहते हैं और सुना, और जब सुना देता हूँ तो अपना मुंह बना लेते हैं। और ये याद रख, मैं तेरी औलाद नहीं। रास्ते बदल गए हम यारों के, मगर रिश्ता वही है। ये बता हुआ क्या है? भगवान ने मुझे कुछ यूं बनाया, जैसे मैं क्रिकेट का वो 12वां खिलाड़ी हूँ जो टीम में तो होता है मगर कभी खेलता नहीं। मेरी गाड़ी मेरे पीछे है खड़ी, तेरी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। जो बताना है अच्छे से बता। बचपन से अब तक कुछ ना कर पाया, आज तक किसी ने नहीं कहा, मेरे बाबू ने थाना खाया। अब समझ आया तुम इतने दुखी क्यों हो। जिनके भी कदम प्यार के रास्ते में पड़ी है, उन सब की खटिया खड़ी है। मेरी बात मान ले, आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। प्यार मोहब्बत से दूर रह ललित, इन सब में बहुत पंगे हैं। गलती तुम्हारी हो या ना हो, हमेशा माफी तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा सुख चैन सब मिटा देगी वो लड़की। मैं अपना सुख मिटाने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए। मेरे बाबू ने थाना खाया? मेरा सिर्फ एक ही पिया, सबसे प्यारी मेरी सिया। तुम कितने अच्छे हो। चिंता ना करो सिया, मैंने खाना खा लिया और तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। किससे बात कर रहे थे? अरे तुम्हारी भाभी थी। अभी अभी तो तुमने ज्ञान दिया कि लड़कियों से दूर रहो, और तुम खुद ही। ललित ये हमारा कोई निब्बा निब्बी वाला रिलेशनशिप नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो यार मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मुझे टाइम पास करना है, मुझे भी सीरियस रिलेशनशिप चाहिए यार। ललित तुम नहीं संभाल पाओगे, ये सब बहुत मुश्किल है, मैं भी बहुत मुश्किलों से संभाल पाता हूँ। मेरी बात मानो, इन सब से दूर रहो। ज्ञान देने के लिए सभी आगे आ जाते हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई आगे नहीं आता। मुझे पता है तुम भी मुझे बहाने दे रहे हो, अभी जाओगे और कहोगे मेरे बाबू ने थाना खाया कि नहीं खाया। ललित मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, बाय बाय। अरे रुको, जब सच्चाई सामने आई तो बाय बोल के निकल रहे हो। सुप्रभात पिताजी। सुप्रभात माताजी। सुप्रभात पुत्री श्रीवल्ली। पुत्री तुम्हारी निद्रा कैसी हुई, कोई बुरा स्वप्न तो नहीं आया? नहीं पिताजी, मेरी पूरी रात्रि अत्यधिक आनंद से बीती, तनिक भी बुरे स्वप्न का प्रभाव नहीं हुआ। पिताजी मुझे इसी क्षण अपने प्रिय सखी के संग सत्संग के लिए प्रस्थान करना होगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रस्थान करूं। पुत्री प्रातः काल सत्संग जाना, इसके पीछे कोई विशेष कारण? पहले कुछ भोजन ग्रहण कर लो, उसके बाद सत्संग के लिए प्रस्थान करना। पिताजी मेरा इसी क्षण सत्संग के लिए प्रस्थान करना अत्यधिक आवश्यक है, अथवा मेरे प्रण का उल्लंघन होगा। मैंने अपनी सखी से वादा किया है, मैं उसके साथ आज प्रातः काल सत्संग जाऊंगी। और आप ही तो कहते हो पिताजी, प्राण जाए परंतु वचन ना जाए। बेटी वचन निभाओ, मगर अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। तुम अक्सर प्रातः काल उठती हो बिना भोजन ग्रहण किए और अपनी सखी के साथ सत्संग के लिए प्रस्थान करती हो। अगर तुम अक्सर ऐसा किया करोगी तो तुम कमजोर हो जाओगी। पुत्री अभी आने वाले समय में तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, तुम्हारा विवाह हुआ, तुम अपने ससुराल गई और वहाँ पे तुम कमजोर पड़ गई, तो तुम्हारे सास ससुर हमें कितने ताने सुनाएंगे, कहेंगे कैसी पुत्री भेजी है आपने। पिताजी केवल आज के लिए मुझे प्रस्थान करने दीजिए, तत्पश्चात मैं हमेशा ख्याल रखूंगी कि भोजन ग्रहण करके ही जाऊं। ठीक है पुत्री, आज के लिए हम तुम्हें जाने देते हैं, मगर जाने से पहले एक बार भगवान को नमन करके जाओ। जी पिताजी, भगवान को नमन किए बिना दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है। हे प्रभु मेरी पुत्री का ख्याल रखना, इसके स्वास्थ्य में कभी भी कोई दिक्कत ना आए, हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छे घर में जाए और खुशियाँ इसके आंगन में हमेशा खिलखिलाते रहे। प्रभु मेरे माताजी और पिताजी को हमेशा सुखी रखना, स्वस्थ रखना। पिताजी अब मेरे प्रस्थान करने का वक्त आ चुका है, मुझे आज्ञा दीजिए। सदा सुखी रहो पुत्री, अब प्रस्थान करो। हे भगवान ये संस्कार
नारी होने का नाटक कर कर के मैं तो थक गई। पता नहीं ये नाटक मुझे कब तक करना पड़ेगा। आए हैं मेरी संस्कार की मूर्ति आ गई। अरे विशु क्या बताऊं? घर पे पिताजी पापा बहुत परेशान करके रखते हैं। हर वक्त संस्कार पूजा पाठ या सत्संग इन सब की ही बातें चलते रहती हैं। मैं अभी अभी यही बहाना करके आई हूँ कि मैं अपनी प्रिय सखी के साथ सत्संग जा रही हूँ। बस करो सिया, जाके कपड़े बदलो। जी प्रभु। सिया तुम थकती नहीं ये नाटक करते करते? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ये सच्चाई कब का बता चुका होता। यार विशु मैं भी बताना चाहती हूँ मगर बता नहीं पाती। मेरे पापा सिद्धांतवादी खानदान से हैं। सिंपल कपड़े पहनना, सादा भोजन करना, शुद्ध हिंदी में बात करना, ये सारे तो मेरे पापा के सिद्धांत हैं और वो चाहते हैं सभी लोग उनके सिद्धांतों को माने। मैं नहीं चाहती मैं उनका दिल तोड़ूं, इसलिए ये नाटक करते रहती हूँ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है एक ना एक दिन इस नाटक से जान छूट ही जाएगी। जरूर छूट जाएंगे। एक बार मेरी तुम्हारी शादी हो जाए फिर तो तुम्हें हमारे हिसाब से ही रहना होगा, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से। वैसे अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सत्संग। अब तुम भी क्या मजाक कर रहे हो, बोलो ना। मेरे एक फ्रेंड के घर में पार्टी है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। ठीक है फिर चलते हैं। लो पहुंच गए, आ जाओ मेरे साथ। हाँ हाँ आ रही हूँ। और विशु शिया तुम लोग आ गए, लेकिन बहुत देर कर दी तुम दोनों ने। यार मैं तो कब का तैयार था, सिया ने ही देर कर दी। तुम्हें तो पता ही है लड़कियों का हमेशा का होता है मेकअप मेकअप और मेकअप। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम लोग आ तो गए, चलो अब अंदर आ जाओ। जब भी इसमें कॉल आता है तो कभी आवाज नहीं आती, कभी आवाज जाती नहीं है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तंग आ गई हूँ मैं। जब भी पापा को कहती हूँ स्मार्टफोन लेना है या आईफोन दिला दो, वो सुनते ही नहीं, कहते हैं ये हमारे संस्कार के विरुद्ध है। पापा कहते हैं स्मार्टफोन यूज करने से लोग बिगड़ जाते हैं। अब तुम ही बताओ आज की जरूरत है कि नहीं स्मार्टफोन? आज के टाइम में स्मार्टफोन होना तो बहुत जरूरी है सिया, बिना फोन के कुछ हो ही नहीं सकता। मैं क्या करूं, मेरे पास फोन नहीं है, ना ही इतने पैसे हैं कि मैं नया आईफोन ले सकूं। अगर मैं छोटी मोटी कंपनी का स्मार्टफोन लूंगी तो लोग हंसेंगे मुझ पे, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। मुझे नहीं करनी कोई पार्टी, मैं जा रही हूँ। सिया तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, तुम्हें नया आईफोन चाहिए, ये लो मेरा रख लो। अरे नहीं नहीं विशु, मैं तुम्हारा फोन नहीं रख सकती हूँ। सिया इसमें मेरा और तुम्हारा क्या, ये सब तो हमारा ही है, शादी के बाद हम दोनों साथ ही होने वाले हैं। फिर भी विशु मैं अभी नहीं रख सकती, तुम अपना फोन अपने पास रखो। सिया रख लो यार अब प्लीज। ठीक है विशु, थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो, रुक जाओ ना थोड़ी देर। नहीं नहीं मुझे जाना होगा। ओके तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विशु तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं चली जाऊंगी, और आप प्लीज जिद मत करना। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगी? जब तुम कहोगे, अब मुझे जाने दो। बरमुडिया भाई कैसे हो? अरे तुम आज बड़े दिनों बाद आई। हाँ बरमुडिया भाई, बहुत दिनों से कोई चारा नहीं फंसा था। वैसे आज अगर आई हो तो चारा तो फंस चुका होगा। हाँ बरमुडिया भाई, चारा भी फंसा है और माल भी मिला है, वो भी छोटा मोटा माल नहीं, सीधा आईफोन 16 अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड। कौन है ये महापुरुष जिसका तुमने काटा है, वो भी इतना गंदा वाला? बरमुडिया भाई आपको तो पता ही है मेरी कैंची में बहुत धार है, अब लोग अपना कटवाने आएंगे तो उनका तो कटेगा ही। पक्का ये आईफोन है ना, नहीं तो पता चला सैमसंग के ऊपर एप्पल का स्टिकर चिपका के मुझे चिपका दिया। अरे बरमुडिया
बुढ़िया भाई आप भी कैसी बात करते हो, आपसे तो हमारा पुराना रिश्ता है, थोड़ा तो भरोसा रखो। सही कह रही हो, हमारा तो पुराना रिश्ता है। तुम कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी और मैं चोरी, तुम आगे बढ़ गई और मैं पीछे रह गया। तुम धोखे से सामान लूटती हो और मैं उन सामान को खरीदता हूँ। बरमुडिया भाई तारीफ बंद करो और ये देखो अपना आईफोन। काफी सही है, मैं तुम्हें इसका 150 रुपया देगा। 150 रुपया बर्गर का पैसा दे रहे हो क्या? ये आईफोन अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड है, 80,000 से कम बिल्कुल नहीं लूंगी। 80,000 का आईफोन, इसमें तेरा घर जाएगा, इसमें तेरा घर चला जाएगा। फाइनल रेट है 50,000, लेना है तो ले वरना चले जा। अरे बरमुडिया भाई आप भी क्या नाराज हो जाते हो, चलो 60 में डन करते हैं। फाइनल 40,000। अरे यार आप भी ना, चलो 50 में डन करो। ये लो अपने पैसे। ओके बाय, फिर जल्दी मुलाकात होगी। अरे आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। अरे यार साहिल मैं बहुत थक गई हूँ, साहिल पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सोना तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। अरे नहीं नहीं साहिल, पैर दबाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस जनरली बता रही हूँ, रोज रोज पैदल आने में बहुत दिक्कत होती है। मैं पापा को हमेशा कहती हूँ अब तो स्कूटी ले दो, मगर वो मेरी बात मानते ही नहीं, हमेशा कहते रहते हैं तुम अपने पैरों से स्कूटी रोकती हो, मैं तुम्हें स्कूटी खरीद के नहीं दूंगा। अब तुम ही बताओ क्या मैं पैरों से स्कूटी रोकती हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत अच्छे से स्कूटी चलाती हो। वही तो, पापा समझते ही नहीं, उनको मुझ पे विश्वास ही नहीं है, कोई मेरी बात समझता ही नहीं है। पैदल आने में बहुत दिक्कत होती है, पैरों में दर्द भी होता है और जब सोने जाऊं तो ये दर्द और भी बढ़ जाता है, मैं क्या करूं? अरे सोना मैं हूँ ना, क्यों इतना चिंता करती हो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पास तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक है चलो। तुम्हारे पापा को स्कूटी चलाने से दिक्कत है, उन्हें लगता है तुम अपने पैरों से स्कूटी रोकती हो, तो ये लो मेरी बाइक की चाबी, तुम आज से बाइक चलाओ। अरे नहीं साहिल, मैं बाइक कैसे चला सकती हूँ, और वैसे भी ये तुम्हारी बाइक है। मेरी है नहीं, मेरी थी, अब हमारी है, ये लो चाबी और मौज करो। साहिल सच में मैं ले जा सकती हूँ? हाँ सोना ले जा सकती हूँ। ठीक है साहिल मैं अभी चलती हूँ, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है। ओके सोना, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो कॉल करना, हम लोग तब मिल लेंगे। ओके माय डियर साहिल, बाय। बाय माय डियर सोना। अरे हेलो बरमुडिया भाई, कैसे हो? अरे तुम फिर आ गई, अब क्या लाई हो? इस बार बाइक है बिल्कुल नई वाली। जरा मैं भी तो देखूं कितनी नई है ये बाइक। सोना बाइक तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल नई है, वैसे ये बताओ ये किधर से मिला? है कुछ हमारे पुराने आशिक जिन्होंने मुझे ये सब दिया है। तुम्हारे आशिक बहुत पैसे वाले लगते हैं। अब ये बताओ इस बाइक का कितना दोगे? तुम कहो तो अपनी जान दे दे, ये पैसे क्या चीज है? बस बरमुडिया भाई अपने अंदर का शाहरुख खान अपने अंदर रखो और चुपचाप 120,000 निकालो। 120,000? अच्छा अच्छा 5-6 बाइक होगी। 5-6 बाइक, किसने कहा, बाइक तो एक ही है। इस एक बाइक की 120,000, छोटी बच्ची हो क्या? बरमुडिया भाई मैं सबका काटती हूँ लेकिन आप मेरा काटते हो, 120,000 फाइनल निकालो नहीं तो बाइक लेके जा रही हूँ। अरे अरे तुम तो गुस्सा हो गई। अच्छा ये लो। अब कैसे लाइन पे आए? यार अमन मैं बहुत थक गई। अमन क्या हुआ सलोनी? यार अमन क्या बताऊं, मैं पैदल चलते चलते थक जाती हूं। मैं पापा को कितनी बार कहती हूं कार ले लेते हैं लेकिन पापा को मुझ पे विश्वास ही नहीं है, उन्हें लगता है मैं कार लूंगी तो किसी को टक्कर मार दूंगी, लेकिन तुम्हें तो पता ही है मैं कितनी अच्छी ड्राइव करती हूँ। पापा लोग ऐसा अक्सर करते हैं, वो तुरंत नहीं मानते,
मगर तुम मनाओगी तो वो आखिर में मान ही जाएंगे। नहीं अमन, मेरे पापा बाकियों की तरह नहीं है, वो बहुत संस्कार की मूर्ति बनते रहते हैं। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे वो कार कभी नहीं दिलाएंगे। मुझे यूं ही पैदल चलते रहना होगा और थकते रहना होगा। सलोनी, मैं तुम्हारा दर्द नहीं देख सकता, तुम मेरी जान हो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अमन, तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? पहले आओ तो सही। सलोनी, ये देखो, ये मेरी कार है, आज से ये तुम्हारी हुई। अमन, ये बहुत महंगी है, मैं तुमसे ये नहीं ले सकती। अमन, सलोनी, क्या तुम्हारा क्या मेरा, सब तो हमारा ही है। वैसे भी शादी के बाद तो हमें साथ ही रहना है, इसे तुम अपने पास ही रखोगी तो क्या दिक्कत है? लेकिन अमन, फिर भी मैं नहीं ले पाऊंगी। देखो, मना मत करो, रख लो। ठीक है अमन, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं रख लेती हूँ। चलो, मुझे घर जाना होगा, नहीं तो मेरे संस्कारी पिताजी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। ओके सलोनी, मिलते हैं। हेलो बरमुड़िया भाई। अरे श्रीवल्ली, अब क्या हुआ, इस बार क्या लाई हो? बरमुड़िया भाई, एक सुपर कार आई है, एक बार देख के बताओ कितना दोगे उसका? तुम्हारे कॉन्टेक्ट सच में बहुत बड़े हैं। मेरे पूरे धंधे में जितना भी सामान मैंने लिया है उसमें से आधा तो तुमने ही मुझे दिया है। कभी कभी दिल तो करता है अपने धंधे का 50% का शेयर होल्डर बना दूं तुमको। अरे बरमुड़िया भाई, आपके शेयर लेके क्या करूंगी, आप गाड़ी देखो और पैसे दो। अरे वाह श्रीवल्ली, गाड़ी तो बड़ी जबरदस्त है और गाड़ी की आवाज सुन के मजा आ गया। देखो, गाड़ी नहीं है इसलिए मैं तुम्हें इस बार अच्छी डील देता हूँ, 8 लाख। लेकिन ऑनलाइन तो ये 18 लाख की मिल रही है, तो मुझे 8 लाख क्यों दे रहे हो बरमुड़िया भाई? तुम्हें तो पता ही है ये चोरी की कार है, बहुत खर्चा होता है। लेकिन कुछ तो सही डील दिया करो, तुम्हारा हर बार का यही हो गया है। चलो 11,995 रुपए और 66 पैसे, अब इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं देने वाला। बरमुड़िया भाई, सारे रुपए मुझे दे दो और ये 66 पैसे खुद रख लो। ठीक है श्रीवल्ली, ये लो। ठीक है बरमुड़िया भाई, फिर मिलते हैं। सिया, मैं कह रहा था तुम्हारे पास जो आईफोन है उसका इंश्योरेंस अपडेट कराना है, अगर अपडेट नहीं कराया तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम आ जाओ, इंश्योरेंस अपडेट हो जाएगा एंड फिर तुम फोन लेके चले जाना। अरे विशु, मैं भी नहीं आ पाऊंगी। अरे आ जाओ यार, नहीं तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, समझो तो थोड़ी देर की बात है। यार विशु, आईफोन नहीं है मेरे पास। किधर गया आईफोन? यार विशु सॉरी, वो आईफोन चोरी हो गया। मैंने चोर को पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आया, मुझे माफ कर दो विशु। अब चोर ने चोरी कर लिया, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? कोई बात नहीं, वैसे पुलिस कंप्लेन किया कि नहीं तुमने? मैंने तो नहीं किया, और मैं कहती हूँ तुम भी मत करो, कोई भी चोर पैदा नहीं होता, उसके हालात उसे चोर बना देते हैं। सिया, अगर इन चोरों को सजा नहीं मिली तो इनकी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी, पुलिस कंप्लेन करना जरूरी है, मैं अभी कंप्लेन करता हूँ। अरे नहीं विशु, मेरी बात सुनो तो, पुलिस कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आईफोन नहीं चाहिए। बात यहाँ आईफोन की नहीं है, बात यहाँ सच्चाई की है, उसने गलत किया है, और तुम चिंता मत करो, इस केस में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। अरे पर मेरी बात तो सुनो। ऑफिसर, मुझे कंप्लेन करनी है, मेरे गर्लफ्रेंड के पास से एक आईफोन चोरी हो गया, मैंने अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया था, प्लीज सर हमारी हेल्प करिए, उस चोर को ढूंढ निकालिए ताकि मेरा नुकसान होने से बच जाए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, आप चिंता नहीं करिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, वो चोर पकड़ा जाएगा। ऑफिसर, मुझे कंप्लेन करनी है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक गिफ्ट में दी थी, उसके पास से बाइक चोरी हो गई, प्लीज चोर को ढूंढ निकालिए सर। हाँ सर, मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को कार गिफ्ट की थी, वो भी चोरी हो गई, प्लीज चोर को ढूंढ निकालिए सर, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। एक साथ 3-3 चोरी, आखिर बरमुडा में क्या चल रहा है, कौन है वो चोर? अरे सर, लगता है कोई नई गैंग आई है। गैंग नई हो या पुरानी, ढूंढ के तो निकालना पड़ेगा, अगर इन तीनों का सामान मिला दे तो लाखों की चोरी हुई है। सर, हम तीनों के साथ चोरी हुई है, प्लीज सर चोर को ढूंढ निकालिए। देखो, चोरी तो तीनों की हुई है, पर ये अभी पता नहीं चला है कि चोर एक है या 3 अलग अलग। आप लोग अभी घर जाइए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे चोर को ढूंढने के लिए, जैसे ही चोर मिल जाएगा आप लोग को बुला लिया जाएगा। जी सर, प्लीज चोर को ढूंढ निकालिएगा। आओ चलो भाइयों, चलते हैं।
सर कहाँ है वो मनहूस चोर? सर चोर कहाँ है? सर मुझे भी जानना है, चोर कौन है? पहले तो हमें डाउट हुआ था, आप सबका चोर अलग अलग है, लेकिन जब हमने पता किया तो पता चला कि चोर एक ही है जिसने आपका आईफोन, आपकी बाइक और आपकी कार चुराई है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने चुराई नहीं है, मैंने खरीदा है ये सब कुछ, वो भी इन लोगों से नहीं, एक लड़की से खरीदा है जिसका नाम है श्रीवल्ली। सर ये नाटक कर रहा होगा, किसी चोर ने आज तक माना है कि वो चोर है? चोरों के पास तो लाखों बहाने होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। हाँ हाँ मुझे पता है, आप लोग चिंता मत करिए, इसे सख्त से सख्त सजा जरूर मिलेगी, लेकिन आगे कार्रवाई बढ़ाने के लिए आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लीजिए ताकि वो कंफर्म कर सके चोरी इसी ने की थी। जी सर, अभी हम लोग कॉल करके बुला लेते हैं। हेलो सलोनी, वो सातिर चोर मिल चुका है, तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ, ऑफिसर को कंफर्म करना है किसी ने चोरी की थी। यार अभी मैं नहीं आ पाऊंगी, सॉरी मुझे बहुत जरूरी काम है। सलोनी तुम्हारा आना बहुत जरूरी है, अगर तुम नहीं आ सकती तो हम आते हैं। नहीं नहीं रुको, मैं आ रही हूँ। सलोनी जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, मैं जा तो रही हूँ मगर तीनों एक साथ मिलने वाले हैं। पता नहीं मैंने कौन से समय में बरमुडिया को सामान भेजा था, सारे सामान पुलिस के हाथ लग गए। लगता है इंस्पेक्टर अकेले हैं, वो तीनों नहीं हैं। जल्दी से अपना काम करके निकल लेती हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, मेरे पास से ही चोरी हुई थी, जल्दी बताइए क्या करना है, मुझे जल्दी घर जाना है। अरे पहले इनसे तो मिल लीजिए। सिया तुम आ गई। सोना अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे तुम दोनों इसे सोना और सिया क्यों बोल रहे हो, ये तो मेरी सलोनी है। अरे चुप करो तुम तीनों, ये ना ही सिया है, ना ही सोना है, ना ही सलोनी, ये तो श्रीवल्ली है और इससे ही मैंने सामान खरीदा था। अरे यार गई मैं। तुम सभी चुप करो, ये मेरी सिया है। अजी घंटा मेरा, ये मेरी सोना है। सलोनी तुम ही इन सबको बता दो कि तुम कौन हो। ए श्रीवल्ली सच बोल, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज पड़े हुए हैं, वो भी उसी सीसीटीवी कैमरे में जो तुमने मुझे बेचा था। अरे अरे शांत हो जाओ सभी, पूरी सिचुएशन समझ आ गई है मुझे, ये ना ही सिया है, ना ही सोना है, ना ही सलोनी है और ना ही श्रीवल्ली, ये है असली खिलाड़ी। विशु के लिए ये सिया, शाहिल के लिए ये सोना, और अमन के लिए ये सलोनी, और हमारे बरमुडिया भाई के लिए ये श्रीवल्ली। मैडम एक बात बोलना चाहूँगा, आपकी कैची में धार बहुत तेज है, बस जेल की जंजीरें मत काट देना। अरे यार ललित, मैं तुम्हें हमेशा ज्ञान देता था लड़कियों से दूर रहो, लेकिन हम तीनों को देखो, हम तीनों का साथ में कटा है और हम सबका काटने वाली भी एक ही है। आज से हम तीनों कान पकड़ते हैं, कभी भी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हाँ भाई, कभी भी लड़की के चक्कर में नहीं जाएंगे। भाई मेरी जिंदगी की ये आखिरी लड़की थी। विशु भाई, लगता है किसी लड़की का फोन आ रहा है, नंबर तो अननोन है लेकिन ट्रू कॉलर पे लड़की का नाम दिखा रहा है। क्या नाम आ रहा है? संजना। फिर से एस नाम की लड़की। चल फोन रख चुपचाप। इनके जिंदगी में ऐसे नाम की लड़की भारी पड़ गई, लेकिन आप बताओ आपकी जिंदगी में किस नाम की लड़की है कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, एंड आप ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज नेक्स्ट में आ रही है तो उसके लिए इंतजार करो। याद से शेयर जरूर करना क्योंकि आजकल व्यूज थोड़े डाउन है, अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो और भी डाउन हो जाएगा, तो प्लीज सपोर्ट करना।